हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 21, जिसमें हम प्रॉपर पढ़ेंगे पिछले कक्षा जो हम पढ़े थे टॉपिक 12, वही पढ़ेंगे। लफ्ज का मूल्यांकन हो गया था पिछले कक्षा में लेक्चर 20 में, और अभी हम पढ़ेंगे फसलों का निर्माण। इसमें से फसलों के निर्माण को हम रिलेट कर दिए थे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फसलों के निर्माण की विशेषताएँ। तो फसलों के निर्माण की विशेषताएं जो पहले होती है उद्देश्य पर आधारित। फसलों का जो निर्माण हम करते हैं तो बच्चे को उद्देश्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, पूर्व निर्धारित होना चाहिए उद्देश्य। और अगला है अनुदेश। इसमें अनुदेश में क्या होता है, बच्चों को कोई विशेष कार्य या प्रोजेक्ट कार्य दिया जाना चाहिए या प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए जो बच्चों को अभी प्रेरित करें, विकसित करें। अगला है विशेष क्षेत्र। विशेष क्षेत्र जो होता है फसलों का, जो विशेष क्षेत्र होता है उसको ध्यान में रखकर फसलों का निर्माण करना चाहिए और उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। मतलब प्रश्न ऐसा हो जो उसका जो है समय सीमा सीमित हो। अगर 5 अंक का प्रश्न है तो उसको उसी अनुसार लिखा जा सकता है, उसका वही समय सीमा होना चाहिए। तो समय के अनुसार, अंक के अनुसार समय दिया जाता है, इसीलिए उसको विशेष क्षेत्र कहा जाता है। तो अंक के अनुसार समय दिया जाता है, जैसे 5 अंक के लिए अलग समय है, 10 अंक के प्रश्नों के अलग समय दिया जाता है। अगला है विषय वस्तु। किसी भी प्रश्न का विषय वस्तु बहुत ही मुख्य बुद्धि होता है किसी भी प्रश्न के लिए। तो वह विषय वस्तु उसी प्रश्न से पूछा जाता है इससे जिस क्षेत्र के अंतर्गत वह बच्चा आता है या छात्र जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न बच्चों को पूछना चाहिए ताकि बच्चों की समझ विकसित हो सके। उसके बाद है प्रश्नों का रूप। प्रश्नों का रूप क्या होता है, यह विषय वस्तु पर ही निर्भर करता है कि वह किस क्षेत्र से बिलोंग्स करता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसी के अनुसार प्रश्न का निर्माण करना चाहिए। यह विषय वस्तु पर पूर्णतः निर्भर है प्रश्न का रूप या प्रश्न की प्रकृति को लिए। उसके बाद है भाषा। प्रश्नों का जो भाषा होना चाहिए वो सरल, स्पष्ट और कठिनाई से सुविधापूर्ण होना चाहिए, दुविधा नहीं होना चाहिए, कठिनाई नहीं होना चाहिए बच्चों को। बच्चों में प्रश्न ऐसा सरल स्पष्ट भाषा में होना चाहिए जो बच्चों को समझ विकसित हो सके, बच्चे तक पहुंच सके प्रश्न को समझ। अगला कठिनाई का स्तर। कठिनाई का स्तर में विद्यार्थी की क्षमता को ध्यान में रखकर बच्चों को प्रश्न करना चाहिए ताकि बच्चा जो है आसानी से प्रश्न को समझ सके। उसके बाद शक्ति का अंतर। ऐसा कि कोई क्वेश्चन अगर बच्चे से हम पूछ रहा है तो एक कक्षा में मान लीजिए कि बच्चा जो है मेधावी भी है, निम्न स्तर का भी, औसत स्तर का भी, समान स्तर का भी है। तो अगर बच्चे जो प्रश्न का उत्तर देते हैं और सामान्य बच्चे भी प्रश्न देते हैं प्रश्न का उत्तर, तो उसको दोनों को अंतर स्पष्ट जरूर होना चाहिए कि मेधावी बच्चे जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है वो किस तरह से दे रहा है और सामान्य बच्चे किस तरह से दे रहा है, दोनों में शक्ति का अंतर जरूर दर्शाना चाहिए। उसके बाद है मूल्य बिंदु। प्रश्न जो हम निर्माण करते हैं तो वो एक तरह से स्पष्ट, उसका हर एक पक्ष प्रश्न का स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। जैसे कि अगर हम नमूनी दे रहे हैं प्रश्न का 1, 2, 3 या फिर उसका उप इकाई है तो उसको हम एरो में या बिंदु से रिलेट कर रहे हैं, ये सब जो है स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। या उसका जो अंक है उसमें कोई भी अंक हो या प्रश्न में किसी तरीका से कोई अंक लिखा हुआ है उस वो भी जो है स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, उसे ही हम मूल बिंदु कहेंगे, अंक कहेंगे। अगला पूरक प्रकार के प्रश्न। यह 3 प्रकार का होता है। पूरक प्रकार का जो प्रश्न होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला है निबंधनात्मक प्रश्न, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है लघुतरीय प्रश्न और तीसरा है अति लघुतरीय प्रश्न। निबंधनात्मक प्रश्न क्या होता है,
उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। यह जो होता है या एक या दो पृष्ठों में इसका प्रश्न का हल लिखित रूप से हो जाता है। यह जो होता है इसमें विभिन्न तथ्यों का जो है सो समझ विकसित होता है प्रश्नों से। इस प्रश्नों से विभिन्न तथ्यों का एक तरह से संक्षेप में प्रश्न का उत्तर दिया जाता है विस्तृत रूप में। ये आपको 100 से 150 शब्द में दिया जाता है लगभग, या कभी कभी 250 शब्द में भी दिया जाता है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपको एक पेज में या सवा पेज में दिया जाता है। या इसकी जो विश्वसनीयता जो है वशिष्ठता जो निवादनात्मक प्रश्न से काफ़ी ज़्यादा होती है लघु उत्तरीय प्रश्न की। इसकी विश्वसनीयता और वशिष्ठता जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। बच्चे आसानी से समझ विकसित कर लेते हैं। और अगला है, और इसके बारे में जो हम बोलेंगे, लघु उत्तरीय जो होता है 90 से 150 शब्द जो होता है, या 80 से 100 शब्द, या 90-150 भी चला जाता है कभी कभी, इतना हम कह सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो है सो आता है। अति लघु उत्तरीय जो है कभी कभी एक शब्द में एक वाक्य में भी इसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो इसका जो है सो प्रकार काफ़ी होता है। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति, मिलान करना आदि, यह जो होता है आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न से जुड़ा हुआ है। उसके बाद चित्रात्मक प्रश्न, चित्रात्मक प्रश्न जो होता है चित्रों को दिखाकर, यहाँ डॉक्टर है, यहाँ इंजीनियर है, यहाँ बढ़ाई है, यहाँ पर किसान है, तो इसमें से पहचान करा सकते हैं। चित्रों को दिखाकर बच्चों को समझ जो है मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं चित्रों को। उसके बाद विभिन्न विधियों से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। विभिन्न विधियों से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। उसके बारे में जानेंगे कि किसी भी ज्ञान को करने से पहले या किसी भी ज्ञान को हम करते हैं तो विभिन्न विधियों को अगर सरलता से करना चाहते हैं तो विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति समस्तीपुर से दिल्ली जा रहा है, तो समस्तीपुर से दिल्ली जाने में जो समस्तीपुर से खुलने का समय हुआ उस ट्रेन का, ट्रेन से जा रहा और वहाँ दिल्ली पहुँचने का समय, और समस्तीपुर से दिल्ली की दूरी और उसका किराया, तीनों को हम एक तरह से पार्ट बाय पार्ट बांट के हम करेंगे तो इस तरह से बच्चे की समझ ज़्यादा विकसित होगी और सरल होगी। तो इस तरह से आज आपका उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण खत्म हो गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अधिकतर साल पूछा गया है 2014 में, 2012 में और 2016 में जो है सो पूछा गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।